हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे लेमन बटर फिश। और सबसे पहले हम अपने फ़िश फिले लेंगे। यहाँ पे मैंने वाइट फ़िश फिले ली है। आप कोई भी फ़िश ले सकते हैं, आप सालमन ले सकते हैं, कोई भी फ़िश जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो, आपकी पसंद की आप फ़िश ले सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करेंगे। हाफ टी स्पून मैंने ब्लैक पेपर लगाया है, हाफ टी स्पून इस पर सॉल्ट लगाया है, फिर हाफ टी स्पून मैं इसके ऊपर मिक्स्ड हर्ब्स लगा रही हूँ, हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर, हाफ टी स्पून चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स इसके ऊपर ऐड करेंगे। अच्छे से इसको रब करेंगे दोनों साइड्स पे और इसको थोड़ी देर के लिए 10 टू 15 मिनट्स के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। अब दूसरी साइड पे भी सेम सीजनिंग करें आप। नमक, काली मिर्च, मिक्स्ड हर्ब्स, गार्लिक पाउडर, चिलीज और ये सारे को अच्छे से, चिली फ्लेक्स को अच्छे से रख करें और इसको रख दें आप। एक पैन लिया है, यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल के ऐड किए हैं और अपनी सीजन्ड फिश को जो मैरिनेशन हमने इसके ऊपर लगाई थी, अब इसको पैन में ऐड कर दें और 2 मिनट के लिए दोनों साइड से आप इसको कुक करें। 2 मिनट हो गए हैं, इसको मैंने दूसरी साइड चेंज की है। दोनों साइड को मैं 2-2 मिनट के लिए अच्छे से पकाऊंगी ताकि अंदर तक फिश पक जाए, क्योंकि आपको पता है फिश जल्दी पक जाती है, इसलिए इसको ज़्यादा कुकिंग टाइम नहीं होगा। अब यहाँ पे भी फिश को डिश आउट कर रही हूँ। इसी पैन के अंदर मैं अपनी वेजिटेबल्स को सौते करूँगी। यहाँ पे मैंने बेबी कॉर्न ले लिए है, ग्रीन बीन्स ले लिए हैं। इसी पैन के अंदर जो मसाला लगा हुआ था उसी के साथ इसको मैं अब सौते करूँगी। कोई ऑयल मैंने इसके अंदर एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया। यहाँ पे मैं इसके लिए जो यहाँ पे मैं क्वार्टर यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, 1/4 ब्लैक पेपर ऐड किया है इसके अंदर, 1/4 ही मैं इसके अंदर मिक्स्ड हर्ब्स ऐड करूँगी। यहाँ पे अच्छे से हमारी वेजिटेबल्स सौते हो रही हैं। यहाँ पे मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून सोया सॉस ऐड करूँगी, 1/2 से 1 टीस्पून आप सोया सॉस ऐड कर सकते हैं। अच्छे से सौते करें और ये हमारी वेल डन हो गई। साथ ही मैं वेजिटेबल्स को डिश आउट कर लूँगी। 1 से 2 मिनट के लिए आप सौते करें और इसको डिश आउट कर लें। वेजिटेबल्स अच्छे से हो गई हैं, वेल डन। अब मैं सेम पैन में इसको अच्छे से साफ करके इसी के अंदर 2 टेबलस्पून मैंने बटर ऐड किया है, 1 लेमन जूस ऐड किया है मैंने इसके अंदर। अच्छे से इसको मिक्स कर लें। और 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर क्रीम ऐड की है, 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया है, 1/2 से थोड़ा सा कम सॉल्ट एंड पेपर मैंने ऐड किया है और इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैंने डिल ऐड किया है। अच्छे से मिक्स करें। जैसे ही ये सॉस हमारी रेडी हो जाएगी, इसके अंदर हम अपनी फिश रखेंगे। और यहाँ पे जी हमारी फिश रेडी हो गई, मैंने इसको सर्व किया है वेजीज के साथ, बेबी कॉर्न और ग्रीन बीन्स के साथ। रेसिपी पसंद आती है तो